भाई आराम से पी लो, जल्दी किस बात की है? भाई पहली बहुत लेट हो चुका हूँ। टिकट तो बुक कराए ना? जी वो न्यू मूवी है तो रश बहुत होता है, इसलिए पहले से बुकिंग करवा के रखनी पड़ती है। तो बस फिर किस बात की जल्दी है? देखो फिल्म खत्म होते ही सीधे घर आ जाना, कहीं दोस्तों में ना बैठ जाना। जी भाई। ठीक है भाभी, ठीक है भाईजान, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे जनाब, अगर आप हुक्म करें तो आज हम लोग बाहर खाना खा लें। जी नहीं, घर में जो पक्का है हम वही खाएंगे। फिर मत कहना हमने आपको बाहर खाना खाने की ऑफर नहीं की। यार मैं तो सड़के से बात करने ही भूल गया, शादी के दिन करीब है और ये कब तैयारी करेगा अपनी? अरे लड़की की तैयारी तो हो गई है ना, ये तो लड़का है, इसका क्या है? जाएगा बस चीजें खरीदेगा और बस। अरे ये क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे मेरी बात सुने, पता नहीं कैसे हालात हैं बाहर, आप कहाँ निकल रहे हैं बाहर? हाफिज, 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 हाफिज क्या हो मेरे भाई? किसने मारा था? कौन था? क्या हो गया? हाफिज, किसने मारा? हाफिज उठा, हाफिज, कोई मरीज को बुला, कोई एम्बुलेंस को बुला। पीछे से फायरिंग और उसको मार दिया। गोली चलाई? आप कहाँ थे? सर मैं अपनी बीवी के साथ घर में था, जैसे हमने फायरिंग की आवाज सुनी हम गेट पर भाग कर आए और देखा कि मेरे भाई की लाश पड़ी है। हम साथ बैठ के चाय पी रहे थे, वो मुझसे कह रहा था भाभी मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊंगा, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वरना मैं उसको कभी भी नहीं जाने देती, कभी भी नहीं जाने देती। हो सकता है ये टारगेट किलिंग हो। हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ये कौन है? सर ये मेरे भाई की मंगेतर है और थोड़े दिनों में सर उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। मुकामी पुलिस स्टेशन पर इत्तला मौसूल हुई थी कि इलाके में रिहाइश पजीर नौजवान आबिद को किसी नामालूम मुल्जिमान ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। पुलिस ने जाए वकवा पर पहुंचकर लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। मकतूल इलाके में अपने भाई भाभी के साथ रिहाइश पजीर था और चंद दिनों में मकतूल की शादी होनी थी। इलाका मकीनों के मुताबिक मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही मकतूल का किसी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक था। इब्तदाई तौर पर पुलिस का ख्याल था कि ये एक आम स्ट्रीट क्राइम की वारदात है जिसमें मुजाहमत पर मकतूल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। चूंकि मकतूल का वॉलेट और फोन उसकी जेब में मौजूद थे, इसलिए पुलिस के लिए दूसरे मुहरिकात पर तफ्तीश भी जरूरी हो गई थी। लिहाजा तदफीन के बाद पुलिस ने मकतूल की फैमिली से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे भाई का मर्डर किसने किया? देखें ऐसे केसों में कुछ वक्त तो लगता है, वैसे भी एक डकैती का केस है जिसमें आपके भाई का मर्डर हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब लूटा तो कुछ भी नहीं। मुमकिन है उन्हें मौका ना मिला और वो फरार हो गए। बस सर किस्मत की बात है, हम दोनों तो उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और ये सानिया पेश आया। देखें दुख तो हमें भी हुआ, खासकर वो उसकी मंगेतर को देख के। मंगनी रिश्तेदारों में की थी आप लोगों ने? जी सर, मेरे वाइफ की भाई की साली थी, यानी इनकी भाभी की बहन। जी सर। तो यकीनन ये रिश्ता भी आपने कराया होगा। जी नहीं, वो दरअसल इंस्पेक्टर साहब उन दोनों की पसंद की शादी थी ये। अच्छा, ये रिश्तेदार तो हैं आपके, क्या यहाँ कहीं करीब रहते हैं? बस इंस्पेक्टर साहब थोड़े फासले पे रहते हैं। उनका एड्रेस या कोई फोन नंबर दे दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब अभी तो बस सिर्फ मंगनी हुई थी। देखें ये मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है, हो सकता हमें कोई क्यू मिले वहां से। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको देता हूँ।
आप रिजवाना और आप इनकी बड़ी बहन। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे रिजवाना से कुछ अकेले में बात करनी है। देखिए बीबी जी, मुझे काफी दुख है। अब हम आपके मंगेतर को तो वापसी नहीं ला सकते, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप हमसे ताउन करें तो उसके कातिलों तक जरूर पहुंच जाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, आखिर हमें भी तो पता चले हमारा दुश्मन था कौन, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसलिए आपको हमसे हर वो बात शेयर करनी होगी जो आप दोनों के दरमियान होती थी। समझी नहीं। समझ जाएंगे आप। सुना है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जी। पसंद भी करते थे, मोहब्बत भी थी, रिश्तेदारी भी थी, तो रिश्ते में कोई मुश्किल तो नहीं आई होगी। जी नहीं, हमारा रिश्ता बहुत मुश्किल से तय हुआ था। क्यों, मुश्किल कैसी? क्योंकि आबिद की भाभी राजी नहीं थी। लेकिन उनका कहना तो ये है कि ये रिश्ता उन्होंने खुद कराया था, क्योंकि आपकी बड़ी बहन उनकी भाभी है। इसीलिए शायद वो मेरी मुखालफत कर रही थी, क्योंकि मेरी बहन के उनके साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो फिर रिश्ता कैसे हुआ? मेरी और आबिद की अंडरस्टैंडिंग को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन हुमा भाभी रुकावट बनी हुई थी। आबिद, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? अरे क्यों यूं मिलते रहेंगे, देखना एक दिन तुम्हें बेगम बना के हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। बेगम बनाओगे तो लेके जाओगे ना, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे शादी करोगे। आइंदा मत ऐसा कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा अब शक्ल मत बिगाड़ो, आइंदा नहीं कहूंगी। मुझे मालूम है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे ऐसा मजाक भी नहीं पसंद। अच्छा बाबा आप सॉरी, आइंदा नहीं कहूंगी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने भाई भाभी से इतना डरती क्यों हो? मुझे तो बड़ा सबक देते हो कि मोहब्बत करने वाले डरते नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना तो एक गुड न्यूज के साथ मिलेंगे। सच? बिल्कुल सच। अच्छा ये बताओ, भूख लगी है? हम लोग पहले ही रेहाना को भुगत रहे हैं, अब उसकी बहन को लाके भी मैं अपने सर पे बिठा लूं क्या? भाई आप तो कुछ बोलें। ये क्या बोलेंगे, मैं इनसे बेहतर जानती हूँ उन लोगों को। काफी संजीदा लग रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ मिलके बताऊंगा, इसीलिए फोन किया। सही कह रही है। चलें भाई, आप दोनों के लिए जबरदस्ती मैंगो आइसक्रीम, ये भाभी आपके लिए और ये भाई आपके लिए। अरे भाई ये सब किस खुशी में है? अरे भाई आपके लिए थोड़ी लाऊं, मैं तो अपनी भाभी के लिए लाऊं, ताकि वो मीठा मीठा खाकर और मीठी मीठी बातें करें। वैसे ये मैंगो आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। भाई खैर तो है, अपनी भाभी को इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? हाँ वो एक्चुअली भाई भाभी से मुझे काम जो है, और वैसे भी आज संडे है तो क्या हम आइसक्रीम नहीं खा सकते? क्यों भाभी? अरे भाई ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो माल खर्च करना पड़ रहा है? अरे भाई आप आइसक्रीम तो खाएं, मैं बताता हूँ आपको। तो बताएं ना, ऐसा क्या काम पड़ गया आपको? अब भाभी देखें, जैसे आप एक भाभी हैं, आपकी भाभी रेहाना भाभी हैं, और रेहाना भाभी की एक बहन है मिस रिजवाना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रिजवाना से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और भाई मुझे पता है कि भाभी ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इनके ऊपर जाल फेंके जा रहे हैं, मुझे पहले ही शक था। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रेहाना को भी और उसकी बहन रिजवाना को भी, हम लोग पहले ही रेहाना को भुगत रहे हैं, अब उसकी बहन को लाके भी मैं अपने सर पे बिठा लूं क्या? भाई आप तो कुछ बोलें। ये क्या बोलेंगे, मैं इनसे बेहतर जानती हूँ उन लोगों को। अच्छा बस खामोश हो जाओ। देखो आबिद, तुम्हारी भाभी बेहतर जानती हूँ उन लोगों को। आबिद आप मुझे बहुत अजीज हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आबिद
आबिद, मैं एक बात सुन जी, आखिर तुम्हें इतराज क्यों है? कमाल करते हैं आप, रेहाना भाभी को नहीं जानते? उन्हीं की शय पे हो रहा है ये सब कुछ, और मुझे शक है वो इन दोनों को मिलवाती भी हैं। यार तुम इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों सोचती हो? अगर तुम्हारी रेहाना से नहीं बनती या उसमें कोई खामी है तो जरूरी नहीं कि रिजवाना भी वैसी लड़की हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उन लोगों को, वो अपनी बहन से दो हाथ आगे है। लेकिन मुझे लगता है कि आबिद उसे बहुत चाहता है। तो समझाए ना उसे, समझ जाएगा, वरना ये हम सब के लिए बहुत बुरा होगा। मैं उससे बात करके देखता हूँ। बात करें और उसको ये बात साफ साफ बता दें कि ये सब कुछ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। आपने देखा नहीं रेहाना भाभी ने कैसे मेरे भाई को पूरे खानदान से काट दिया, हमसे मिलने तक नहीं देती, और हमारे घर पे भी कब्जे जमा के बैठ गई है वो। यार एक तो तुम ना बहुत नेगेटिव सोचती हो, अपनी सोच को पॉजिटिव करो। आप अपनी सोच को अपने तक ही महदूद रखें, मुझ पे ना थोपें, मैं आपसे बेहतर समझती हूँ। तुमको भी समझाना मुश्किल है। हेलो, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, इसीलिए फोन किया। ये तो बस मिलने का बहाना है। चलो तुम बहाना ही समझ लो। काफी संजीदा लग रहे हो, कोई बात है क्या? तुम आ रही हो कि नहीं? अभी नहीं आ सकती, अम्मी घर पर नहीं है, तुम आ जाओ। और अगर अम्मी आ गई तो? अम्मी जल्दी नहीं आएंगी, वो बाजी की तरफ गई हैं, बस तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ। आप तो मुझे आज खुशखबरी सुनाने वाले थे, लेकिन आपके चेहरे पर तो 12 बज गए, क्या हुआ? पता नहीं यार, भाभी का रिएक्शन बहुत अजीब था। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारा नाम सुनते ही उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। फिर? क्या बात करेंगे, जितनी तेज हुमा भाभी है वो किसी को बोलने का मौका नहीं देंगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नवेद भाई उन्हें राजी कर लेंगे। आबिद, अगर वो ना माने तो तुम मुझे छोड़ दोगे? ऐसा कहने से पहले मैं मर नहीं जाऊंगा। तुम तो शायद ना मरो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जरूर मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें अपने आप से पहले मरने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे बेवफा समझती हो? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे घर वालों पर नहीं। अगर वो राजी ना हुए तो? मुझे कोशिश करने दो, और अभी तक तो भाई ने भाभी को मना भी लिया होगा, और अगर नहीं मनाया तो मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बगावत भी कर सकता हूँ। देखो बगावत नहीं करना, अगर वो राजी ना हो तो मुझे छोड़ देना। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर क्या करेंगे हम? भाई आप नवेद। जी भाई। जरा जज्बात से हटके सोचो, तुम्हारी भाभी का ये कहना है कि तुम रिजवाना के अलावा जिस लड़की से चाहो शादी कर लो, वो तैयार है। भाईजान मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाभी को आखिर रिजवाना से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कोई नहीं है यार, वो तेरी बेहतरी के लिए सोच रही है। कमाल है भाईजान, जिंदगी मैंने गुजारनी है, आप लोग मेरे बारे में भी तो सोचें। देखिए भाईजान, मैं वादा करता हूं मैं किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको, प्लीज
आप भाभी से बात करें, उनको मनाने की कोशिश करें प्लीज भाईजान। रिजवाने के अलावा तो किसी और से शादी नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं किसी से शादी तो नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता खुदकुशी जरूर कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने? इधर देख के बोल, खुदकुशी करेगा तू? तुझे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है और इस उम्र में तू मुझे रुला रहे हैं और बोलता है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी करेगा ना? तुझे अपने भाई का भी ख्याल नहीं है। ऐसी बात मत करिए मेरे साथ, वरना मर जाऊंगा मैं। खुदकुशी करेगा? तुझे अपने भाई का जरा भी ख्याल नहीं है ना? तू फिक्र निकल, मैं तेरी भाभी से बात करता हूँ। कुछ नहीं होगा, तेरी शादी मैं रिजवाना से कराऊंगा। तो खुश है ना? हाँ? ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, आबिद और रिजवाना बहुत आगे तक जा चुके हैं। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने दिल को बता दें आप कि आपकी भाभी मान गई है। क्या? अरे थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाभी। लेकिन भाभी ने एक छोटी सी शर्त रखी है, लेकिन नवेद भाई कह रहे हैं कि वो शादी के बाद ये सब सॉर्ट आउट कर देंगे। हुमा, जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, आबिद और रिजवाना बहुत आगे तक जा चुके हैं। आप ना माने इस बात को, लेकिन आबिद को फंसाया जा रहा है, उनको ये मकान और इस घर का आराम नजर आ रहा है। अरे भाई अब यही समझ लो, अब तो आबिद फंस चुका ना। तो कैसे भाई हैं आप, निकाले ना उसको इस दलदल से। अरे भाई आखिर तुम ये जिद क्यों नहीं छोड़ देती? आखिर हम दोनों ने भी तो मोहब्बत की शादी की थी। हमारे खानदान बराबरी के थे। रेहाना भाभी का खानदान देखा है आपने? फिर भी तुम्हारे अब्बा ने उसे बहू तो बना लिया ना। हाँ तो भाई मरे जा रहे थे ना, अगर वो ऐसा ना करते तो अब्बा कभी भी उनसे शादी ना करते। तो अब मैं क्या करूँ, मेरा भाई जो मरे जा रहा है, मरने दो उसे, करने दो उसे खुदकुशी, ताकि सारी जिंदगी में अपनी शक्ल आईने में ना देख सकूं। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बोलो? शादी के बाद आबिद हमारे साथ नहीं रहेगा। अभी वो ना समझे, कहाँ जाएगा वो? कहीं पे भी जाए, मेरी बला से। इस तरह वो अपनी भाभी के हवाले से, जो उनका एक कॉन्सेप्ट है कि उनकी भाभी जो है वो आकर उनके घर पे डोमिनेट हो गई है, इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने अंदर कुछ ना कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डेवलप किए हुए होते हैं। उनके चाइल्डहुड पैटर्न्स कुछ इस तरह के डेवलप होते हैं कि वो अंदर से अपने अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग, एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का जो है उनका सेंस डेवलप हुआ हुआ होता है। वो हर चीज़ को नेगेटिव व्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा देख रहे होते हैं और इसीलिए उनमें एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। हेलो हेलो, आबिद कैसे हो? जाग रही हो? सो कैसे सकती हूँ, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। वो मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। आबिद भाई से बात हुई? हाँ हुई। प्लीज आबिद कोई अच्छी खबर सुनाना। तुम्हें अच्छी खबर सुनाने के लिए मैंने भाई को बुरी खबर सुना दी है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? प्लीज बताओ ना क्या बात हुई। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर मैंने उन्हें साफ अल्फाजों में बोल दिया कि अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। आबिद कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। बगैर नाश्ता किए? मूड नहीं है।
वाह भाई, मूड नहीं हो रहा, सुना हूँ आपने। नाश्ता तैयार है, करके जाऊं। भाभी एक्चुअली मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे भाई बैठो तो, शायद हम आपके दिल को राजी कर लें। और हाँ, अपने दिल को बता दें आप कि आपकी भाभी मान गई है। क्या? अरे थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाभी। मुझे पता था कि भाभी जरूर मान जाएंगी। और भाई हम लोग कब जा रहे हैं वहां? इनको मेरी शर्त के बारे में भी बता दीजिए। अरे भाभी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप बोलें तो सही। आबिद, शादी के बाद तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। फिर आप कहाँ जाएंगी? मैं कहीं नहीं जा रही, आप जाएंगे रिजवाना को लेके आना। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता भाईजान? आप भी जाहिर है, मुझे तुम्हारी भाभी के साथ जो रहना है। अच्छा बैठो, नाश्ता तो कर लो, बैठो। हेलो, हाँ रिजवाना। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? मुझे नहीं पूछना, मत बताओ। अरे पूछो तो सही। बिन पूछे जो बात पता चल जाए तो पूछने की क्या जरूरत है? क्या मतलब, तुम्हें किसी ने बताया क्या? आपके अंदाज ने और आपकी खुशी ने, जो आपसे छुप नहीं रही। और तुम्हें पता है क्या, ये सब नवेद भाई का काम है। लेकिन भाभी ने एक छोटी सी शर्त रखी है। लेकिन नवेद भाई कह रहे हैं कि वो शादी के बाद ये सब सॉर्ट आउट कर देंगे। कैसी शर्त? शर्त ये है कि शादी के बाद हम लोगों को अलग रहना पड़ेगा। और बड़ी जल्दी हमारी मंगनी हो गई, हम किस कदर खुश थे मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अंदाजा है रिजवाना, एक जाती सवाल है मेरा। जी पूछे। आबिद से पहले कभी किसी लड़के से कोई ताल्लुक रहा आपका? जी नहीं, मैं आबिद के अलावा किसी से प्यार नहीं करती थी। देखें बुरा ना माने, मुझे पूरा यकीन है। मेरा मकसद ये है कि रिश्तेदारों में या एरिया में कोई ऐसा लड़का जो आपसे शादी करना चाहता हो? नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हाँ, एक लड़का था तनवीर, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। देखें आप नहीं पुरानी छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि तनवीर से आपके ताल्लुकात थे? जी नहीं, मेरा कतई उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो मुझे छेड़ता था बस, और कुछ नहीं था। एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है वो? हमारे एरिया में मेडिकल स्टोर है, मैं अक्सर वहाँ उससे दवा लेने जाती थी। ये लो सामान दो। इतनी भी क्या जल्दी है, 2 मिनट हमारे पास भी रुक जाया करो। देखो तनवीर, बदतमीजी मत करो। इसे आप बदतमीजी कहती हैं? तो और क्या है, ये प्यार है। शक्ल देखी है अपनी? वो तो आप देखेंगी, मैं तो आपकी शक्ल देखूंगा। रहने दो, मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं लेना। अरे, अरे अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। अब तक की तहकीकात और बयानात में पुलिस के सामने कोई ऐसी बात या शवाहिद नहीं मिल सके थे जिससे मकतूल के कत्ल की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। रिजवाना भी अपने बयान में किसी पर शक जाहिर ना कर सकी थी। अलबत्ता मकतूल की मंगेतर के बयान से 2 बातें जरूर पुलिस के सामने आई थी। एक ये कि मकतूल की भाभी उसकी शादी से नाखुश थी, और दूसरा तनवीर जो इलाके में एक मेडिकल स्टोर का मालिक था, रिजवाना के मुताबिक तनवीर उसमें दिलचस्पी लेता था और आते जाते फकरेबाजी करता था, जबकि रिजवाना को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि अब तक पुलिस मुकम्मल अंधेरे में थी, लेकिन फोन रिकॉर्ड मौसूल होने के बाद रिजवाना के बयान की रोशनी में पुलिस ने तनवीर से पूछगछ का फैसला किया। लाओ उस तनवीर को। तनवीर नाम है तेरा? जी फरमाइए। मेडिकल स्टोर का मालिक है तू? जी, लेकिन क्यों? तुझे हमारे साथ थाना चलना होगा। लेकिन क्यों? तू जाली दवाइयों का काम करता है, समझा? झूठ है, किसने कहा आपसे कि मैं जाली दवाइयों का काम करता हूँ?
और ना ही मैं आपके साथ थाने जाऊंगा। तुझे थाने ले जाने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं डाल गाड़ी में इसको। आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। साथ अच्छा भी करना। बैठ। पता नहीं क्यों सुबह से आपका इंतजार रहता है। तुम सबको यही लाइन बोलते हो क्या? तो आप जैसी आएगी तो उसे ये कहूंगा ना। क्यों? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। साहब रिजवाना से बहुत प्यार करता था मैं। साहब 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 वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। साहब झूठ बोलता है। अच्छी नहीं है, उसको मेरा नाम लेके बोले करो। पैसे भी देते हो या नहीं? साहब वो ओए बस कर, नहीं किया करो। क्या मारा है तुझे? साहब मारा है बहुत। साहब बोल बोल, पूरी रात मारा है। बोल साहब मारा है बहुत। पहली दुराई तेरी इसलिए बहुत अकड़ है तेरे। कल्प लगा है तेरे पर है? नहीं साहब। ये बता तेरा रिजवाना से क्या ताल्लुक है? रिजवाना? कोई ताल्लुक नहीं है साहब, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। इसके मंगेतर को कत्ल क्यों किया? मंगेतर कत्ल? साहब मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, झूठ है साहब ये। तो बोला झूठ है। तुम भी किसी भी राह चलते हुए शरीफ आदमी को यहाँ उठा के ले आते हो, कितनी गलत बात है। और फिर इसको इतना मार भी दिया तुमने है। अब इसको छोड़े तो ये मेडिकल कराएगा अपना, वकीलों के पास जाएगा, मुझ पे केस कराएगा, सर का दर्द बन जाएगा मेरे सर का दर्द। तुझे पता है ना फिर ऐसे शरीफों के साथ हम क्या करते हैं? इनकाउंटर। साहब 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 नहीं साहब, मेरे कुछ नहीं किया। अब जो पूछूं ना सच सच बताओ। साहब बताऊंगा, सब सच बताऊंगा साहब। साहब थोड़ा पानी मिलेगा साहब? मिलेगा ना। अगर सच सच बोलेगा तो ये पानी तुझे पीने के लिए मिलेगा, वरना इसी पानी में डबो के मार दूंगा। सच बताऊंगा साहब, साहब सच बताऊंगा सब। पी लिया पानी? अब सच सच बता। साहब साहब रिजवाना से बहुत प्यार करता था मैं। साहब 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 वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। साहब झूठ बोलता है। साहब आज बहुत देर कर दिया। जब कोई दवा लेनी होगी तो आऊंगी ना, और उसके लिए बीमार होना पड़ता है। बीमार ना सही, हम जैसे बीमारों को शिफा देने के लिए आ जाएगा। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ आपका। रिजवाना के हवाले से नोटिस करते हैं तो रिजवाना का बेसिकली आप साइकोलॉजिकली हर ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने अंदर एक प्लेजर सीकिंग जो है वो एक रखता है पैटर्न। अब रिजवाना के पास जब ऑप्शन आ गए हैं तो हर इंसान की होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट की तलाश में चलने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी उसने एक देखा कि अगर तनवीर और आबिद में अगर डिसीजन लिया जाए तो आबिद के पास ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं निस्बतन तनवीर के। पता नहीं क्यों सुबह से आपका इंतज़ार रहता है। तुम सबको यही लाइन बोलते हो क्या? तो आप जैसी आएगी तो उसे ये कहूँगा ना। क्यों? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इसमें कोई शक है क्या? अभी शीशा नहीं देखा आपने? कितनी मोहब्बत करता था तू उससे? साहब बहुत मोहब्बत करता था मैं। साहब मैं तो उससे शादी करना चाहता था। और जब उसने आबिद से मंगनी कर ली तो तूने आबिद को ही मार दिया? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। बेग़ैरत, अगर वो तुझसे मोहब्बत करती तो आबिद से मंगनी क्यों करती? साहब साहब वो उसकी दौलत से मरगूब हो गई थी साहब। तो फिर ये मोहब्बत तो ना हुई ना मेरी जान?
शायद साहब ऐसा ही है साहब, रिजवाना बहुत बदल गई थी और तूने बदला लेने के लिए आबिद को मार दिया। नहीं साहब, साहब मैं तो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था साहब, और एक दिन अचानक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्यों, मुझे देख के हैरत हो रही है, तुम्हारी दुकान पे कैसे रिजवाना ही आ सकती है? छोड़े उमा बाजी, दिल ना जलाएं। आपने आबिद की रिजवाना से मंगनी करके अच्छा नहीं किया। तो बुरा भी क्या किया है मैंने, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो करा दी मंगनी। आपको सब पता था फिर भी? तुम क्या बहुत मोहब्बत करते हो उससे? अगर आप लोग बीच में ना होते ना तो मैं देखता कोई माई का लाल कैसे रिजवाना से मंगनी करता है, लाश ना गिरा देता उसकी में। तो आप गिरा दो, किसने मना किया है? क्या इस तरह के जो लोग अगर अपना आप जो है लो फील करते हैं तो वो दूसरे को फील करते हैं कि वो उनको टॉर्चर दे रहे हैं या वो उनके लिए जो है वो बेहतर नहीं है उनकी ज़िंदगी के लिए, तो वो ऐसे लोगों के लिए प्लानिंग करना शुरू करते हैं, वो किसी तरीके से सबसाइड कर दें। एक महीने रह गया उसकी शादी में, अगर उसकी शादी हो गई ना तो रिजवाना तो गई। लेकिन आपको क्या फ़ायदा होगा इसमें? तुम्हें तो फ़ायदा होगा ना, बस तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। इसमें फ़ायदा तो आपका भी है। मेरा क्या फ़ायदा है? अकेली जायदाद की वारिस बन जाएंगी आप। बहुत होशियार हो तो बोलो। हाँ रिजवाना के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओए भाभी नहीं जहरीली भाभी, ये बता तुझे कैसे पता चला कि वो फिल्म देखने जा रहा है? साहब साहब भाभी पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, जैसे नाबिद का कत्ल हुआ था साहब उसे, मैं तो अपनी दुकान पर था। अरे भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो भाई हम दोस्तों ने मूवी देखने का प्लान करा है, सो वहीं जा रहे। इसका मतलब है आज रात आपको देर हो जाएगी? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जैसे ही शो खत्म हो जाएगा मैं घर आ जाऊंगा। जाए जाए ऐश करे, फिर पता नहीं शादी के बाद मौका मिले ना मिले, जैसे आपके भाई कहो भी तो जाते ही नहीं है कहीं। अच्छा भाभी मैं जब तक फ्रेश होकर आ रहा हूँ मुझे कब चाय मिल सकती है? अरे भाई पहले फ्रेश होकर आ जाओ फिर चाय भी मिल जाएगी, और इसी बहाने हमें भी एक कप मिल जाएगी, क्यों जनाब? जी आपका तो पता ही है मुझे। हेलो। हाँ तनवीर मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात है, खैरियत तो है? आज बहुत अच्छा मौका है, आज काम करो। कब? अभी। अभी? बोलो मत, मेरी बात गौर से सुनो। कितनी देर लगेगी? आधा घंटा लगेगा बस। बहुत है मेरे लिए। हाँ बस जल्दी से आ। मुल्ज़िम तनवीर के दिए गए एतराफी बयान की रोशनी में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस केस की मास्टरमाइंड मक्तूल आबिद की भाभी हुमा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि वो अपनी भाभी रिहाना की छोटी बहन रिजवाना को किसी कीमत पर अपने घर में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जब मक्तूल ने खुदकुशी की धमकी दी तो उसने शोहर के दबाव में आकर वक्ती तौर पर हाँ कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा को खतरा था कि रिजवाना उसकी भाभी की तरह उसके मकान या जायदाद पर काबिज ना हो जाए, क्योंकि मुल्ज़िमा हुमा को रिजवाना और तनवीर के साबिका ताल्लुकात का इल्म था, लिहाजा उसने ये शैतानी मंसूबा बनाकर एक तरफ रिजवाना को रास्ते से हटाने और दूसरी तरफ सारी जायदाद की तनहा मालिक बन जाने का ख्वाब देखा था जो कि अधूरा रह गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया गया। तल्ख शिकवे लब शीरीन से मजा देते, घोल कर शहद में वो जहर मिला देते, यूं तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।